विद्यार्थियों नमस्कार, मैं मनीष कुमार, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के बारे में, राजनीति विज्ञान के कुछ लेसन्स के बारे में हमने पहले अध्ययन किया था। दो लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके थे, तीसरा लेसन हमारा बाकी रह गया था। उसका एक टॉपिक बच गया था अपना, लोकसभा। तो विद्यार्थियों, आज हम लोकसभा के बारे में, लोकसभा गठन, उसका कार्यकाल, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनके टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा का गठन। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोकसभा के गठन के बारे में देखेंगे। लोकसभा का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 81 में किया गया है। कहाँ किया गया भाई? अनुच्छेद 81 में, मतलब लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में किया गया है। ये लोकसभा क्या है? संसद है। संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा जो स्थायी सदन है, एक लोकसभा जो अस्थायी सदन है। ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। तो एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि लोकसभा का उल्लेख कहाँ किया गया है, संविधान में किस जगह किस अनुच्छेद में किया गया है। एक तो ये हमारे क्लियर होनी चाहिए, जो बता दिया मैंने आपको, अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का उल्लेख किया गया है। सदस्य संख्या, विद्यार्थी लोकसभा की सदस्य संख्या जो वर्तमान में है, लोकसभा की सदस्य संख्या जो वर्तमान में है, ये शुरू में नहीं थी, इसमें लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखें विद्यार्थियों। शुरुआत में इनकी संख्या थी 500 तय की गई थी। कितनी तय की गई थी भाई? 500। शुरुआत में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 तय की गई थी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं निर्धारित की गई थी। ठीक है, अब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। कब? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। इस पुनर्गठन के तहत संख्या कर दी गई 520, मतलब 1956 में संख्या कितनी हो गई भाई? 520 हो गई। तो एक तो यहां तक हमें देखना है कि लोकसभा की सदस्य संख्या शुरू में 500 थी, बाद में 520 हो गई, और वर्तमान जो सिस्टम चालू है, वर्तमान जो सिस्टम अपना चल रहा है, ये क्या है? जैसे 31वें संविधान संशोधन, उन्नीस सौ
द्वारा 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा ये तय कर दी गई कितनी 552 तय कर दी गई 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा कितनी तय कर दी गई 552 तय कर दी गई। विद्यार्थियों अभी 552 का वर्गीकरण देखेंगे हम कि ये किस प्रकार से वर्गीकृत की गई है, मतलब 552 किस प्रकार से वर्गीकृत की गई है। तो एक बार दोबारा से देख लो, सदस्य संख्या शुरुआत में 500 तय की गई थी, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्यों को पुनर्गठन के तहत 520 कर दी गई, वर्तमान में 31वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा 552 कर दी गई। कितनी कर दी गई 52। अब इन 552 का वर्गीकरण देखेंगे हम, ये 552 सीटें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आई हैं। तीसवे संशोधन 1974 में 552 तय की गई थी, ठीक है। अब ये 552 सीटों का वर्गीकरण देखते हैं। 530 सीटें राज्यों से, कहाँ से तय की गई भाई राज्यों से, कि 530 सीटें तो राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे, ठीक है। 20 संघ शासित प्रदेशों से, 20 कहाँ से आएंगे संघ शासित प्रदेशों से आएंगे, मतलब ये भी तय किया गया कि 20 सीटें संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आएंगी। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय से, विद्यार्थियों अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है अगर हो चुका है तो ये आवश्यक नहीं है। अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट मतलब मनोनीत कर सकते हैं 2 सदस्यों को। अगर आपको अलग ही समझाया हुआ है कि सर ये आंग्ल भारतीय कौन होते हैं, ठीक है, जिनको अक्सर हम ज्यादातर एक शब्द यूज करते हैं एंग्लो इंडियन, मतलब एक ऐसी संतान जो एक अंग्रेज और भारतीय द्वारा उत्पन्न मतलब उत्पन्न है, मतलब जिसका पिता या माता अंग्रेज या इसका पिता या माता भारतीय है, इन दोनों से उत्पन्न संतान आंग्ल भारतीय कहलाई, क्योंकि भारत में लंबे समय से अंग्रेज रह रहे थे और उनके रहने से यहाँ की संस्कृति रहन सहन खान पान यहाँ का व्यक्तित्व यहाँ के जो सिस्टम थे वो उनको पसंद आने लगे थे और यहीं वो अपना जीवन यापन करने लगे थे, तो उनसे उत्पन्न संतान एंग्लो इंडियन कहलाए। हालांकि अंग्रेज यहाँ से निकल गए थे उसके बाद उनकी जो संतानियाँ रह गई थी उनके लिए अंग्रेजों ने भारतीय संविधान में एक लाइन डलवा दी कि इनका कभी भी निर्वाचन नहीं होगा और ये जो सदस्य हैं वो बिना निर्वाचन के संसद में रहेंगे और जिनको आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे 552 कुल हो गए। वर्तमान में ये संख्या 545 है,
वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है कितनी तय कर रखी है, 545 तय कर रखी है। इन 545 में से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं। 530 तो कहां से हो रहे भाई, राज्यों से, सॉरी भाई, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, 13 कहां से होगा भाई, केंद्र शासित प्रदेशों से। और अभी जो हमने दो बताए थे आपको वो कहां से आ गए भाई, अंग्ल भारतीय समुदाय से। ठीक है, और ये हो गया आपके 545। तो 543 तो हो गए निर्वाचित, मतलब 543 तो इलेक्टेड होंगे जिनको हम खुद, मैं भी समझाऊंगा आगे कि किस प्रकार से ये चुने जाते हैं, लेकिन एक बार देख लें 552 है और 545, अधिकतम है 552। अभी मैंने बताया था आपको कि अधिकतम 552 है। अब वर्तमान में जो मैंने आपको बताया 530 में राज्यों से है, उसमें भी अधिकतम है 530 है, उसमें 20 है, इसमें 13 है, मतलब अधिकतम संघ शासित प्रदेशों से अगर निर्वाचित होने की बात आएगी तो 20 हो सकते हैं, लेकिन यह कितने कर रखे हैं, 13। इन 13 का सिस्टम क्या है, संघ शासित प्रदेश है अपने 7, अरे संघ शासित प्रदेश कितने हैं, 7। इन 7 में से एक तो बच गई आपकी दिल्ली ले लो, और बच गए 6। ठीक है, तो दिल्ली से तो है 7 और इन सबसे है एक एक, तो 6 टोटल कितने हो गए, 13। मतलब सबसे ज्यादा कितने हैं, दिल्ली से 7 सीटें हैं लोकसभा में, और बाकी सभी से जैसे पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दमन दीव है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली है, इनसे कितनी सीटें हैं भाई, एक एक सीटें हैं, और दिल्ली से 7, टोटल हो गई 13। तो 13 ये हो गई। दो आंग्ल भारतीय मैंने आपको समझाई दिए कि आंग्ल भारतीय किस समुदाय से कैसे हैं, कैसे चुने जाते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं। वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है ये एक बार दोबारा बता दूं आपको, 545 वर्तमान है और अधिकतम बताई दिया मैंने आपको, ठीक है, ये 552 है। विद्यार्थियों ये 1974 से चला रहा है और 2026 तक यही रहेगा, 1974 से चला रहा है ये सिस्टम और कब तक रहेगा, 2026 तक यही रहेगा, मतलब 2026 तक हम यही याद रखना है। बाद में परिसीमन आयोग बैठेगा, परिसीमन तय करेगा कि भाई जनसंख्या, क्योंकि लोकसभा की जो सीटें हैं या लोकसभा का जो सिस्टम है ये जनसंख्या के आधार पर तय होता है, जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे ये सीटें बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो विद्यार्थियों प्रेजेंट में जो सिस्टम चला रहा है अपना ये जनसंख्या के आधार पर है और ये भारतीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है, मतलब 1974 में, अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक मिनट रुको, जैसे इन सीटों में अधिकतम नहीं कह सकते, सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से है 80, ऐसे महाराष्ट्र है 48, राजस्थान है 25। अब जैसे ये सीटें हैं ये 80 उस समय से 74 से चली आ रही है लोकसभा सीटें, क्योंकि परिसीमन आयोग बैठा ही नहीं उसके बाद, और अब ये जैसे ही परिसीमन आयोग बैठेगा 2026 में तो ये मतलब 100-125 से ऊपर हो जाएंगी। वैसे राजस्थान में 25 हैं वर्तमान में, लोकसभा सीटें कितनी है भाई, 25, लेकिन जैसे ही परिसीमन आयोग बैठेगा ये 30-35 के आसपास हो जाएंगे आराम से, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो विद्यार्थियों कहने का मतलब ये है
कि लोकसभा का जो सीटों का सिस्टम है, सीटों की जो व्यवस्था है, जनसंख्या के आधार पर होती है। परिसंघ आयोग इसको तय करता है। परिसंघ आयोग ने 1974 में तय की थी और तब से लेकर अब तक यही चली आ रही है और कब तक रहेगी? 2026 तक रहेगी। क्या लोकसभा का सिस्टम, ये व्यवस्था कब तक रहेगी भाई? 2026 तक रहेगी। सदस्यों का निर्वाचन, अभी मैं आपको बता रहा था, तो एक बार हम देखते हैं सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। प्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था से, मतलब इनका जो मतदान, इनका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष। कैसे होता है भाई? प्रत्यक्ष होता है। देखो, चुनाव की जो प्रक्रिया है, हालांकि मैंने आपको बताया, बता फिर बता देता हूँ, ये प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, एक अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष तो जैसे भी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, या फिर आपका राज्यसभा है, ये सिस्टम इसमें लगता है अप्रत्यक्ष में। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष। तो जैसे लोकसभा की ले लो एक बार, लोकसभा विधानसभा है ना, इनके चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, जैसे विधानसभा है और ये है जनता, और यह फिर आप यहां रख दो लोकसभा भी रख दो, ठीक है, जनता इनके सदस्यों को चुनती है, ये तो हो गया प्रत्यक्ष। जनता विधानसभा और लोकसभा सदस्यों को चुनती है, ये तो क्या, कैसे हो गया प्रत्यक्ष? मतलब हमारे पास ये इनके जो मेंबर्स हैं, इन किन के विधानसभा के लोकसभा के सदस्य हैं, ये डायरेक्ट हमारे पास आते हैं वोट मांगने के लिए, और हम प्रत्यक्ष रूप से इनको वोट डालते हैं। ओके, ये तो प्रत्यक्ष हो गया। कैसा हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष। राज्यसभा के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, कभी भी राष्ट्रपति हमारे पास वोट मांगने नहीं आते कि साहब मेरे को वोट दो जिन्ना। हमारी लोकसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर के हमारी इस जनता की तरफ से, क्योंकि फिर अगर ये आएंगे तो पूरे भारत में बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, मतलब पूरे भारत में इनको वोट मांगने होंगे, जगह जगह मीटिंग्स करनी होंगी। अब एक राष्ट्रपति के चुनाव, और आपको मालूम है 543 तो निर्वाचन क्षेत्र कर रखे हैं, अगर अधिकतम 10 भी, 15 भी, 20 भी कवर करे तो कितना टाइम लग जाएगा? मतलब 20 अगर एक दिन में भी कवर करे तो कितना टाइम लग जाएगा? तो कहने का मतलब लंबा चौड़ा सिस्टम है, भारत की चुनाव प्रणाली महंगी और खर्चीली भी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके चलते हमारे संविधान में एक व्यवस्था की गई है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव विधानसभा लोकसभा जो जाएंगे, इनके द्वारा चुने हुए जो एमएलए एमपी हैं, एमएलए विधानसभा में और एमपी संसद में, मतलब लोकसभा में, इनके द्वारा चुने हुए जो सदस्य हैं, ये अपनी तरफ से इनका चुनाव करेंगे। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। मतलब ऐसा एक सिस्टम, ऐसी व्यवस्था बनी हुई है भारतीय संविधान द्वारा। तो कहने का मतलब यह है, प्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था है किसकी? लोकसभा की। लोकसभा का जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आम जनता द्वारा, मतलब लोकसभा का जो निर्वाचन है प्रत्यक्ष रूप से आम जनता द्वारा किया जाता है, एक चीज। ये तो हो गया, मतलब चुनाव अप्रत्यक्ष नहीं होंगे, प्रत्यक्ष होंगे, मतलब जो भी उम्मीदवार है वो आएगा और हमारे पास करेगा। दूसरी ओर देखा, इस चुनाव में एक उम्मीदवार एक से अधिक सीटों पर खड़ा हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब एक उम्मीदवार है,
वो एक से अधिक सीटों पे खड़ा हो सकता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी पिछले चुनाव में भी दो सीटों पर थे और अब की बार भी दो सीटों पर थे, ठीक है सर। कैसे, जैसे एक तो आपका परमानेंट है ही वाराणसी, ठीक है, ये तो था यूपी से यहाँ खड़े हुए। दूसरा था गुजरात गांधीनगर और दोनों ही सीटों पर चुनाव जीत गए, तो एक एक छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने गुजरात छोड़ दिया, गांधीनगर वाला, गांधीनगर में जो गुजरात में गांधीनगर था, ये इन्होंने छोड़ दिया कि मैं यूपी से ही रहूंगा। मतलब एक छोड़ना पड़ेगा, जैसे आप चुनाव जीत गए, हार गए तो वैसे ही छूट गया, अगर आप जीत गए ना तो आपको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। इसका एक निश्चित टाइम है, उस टाइम में आपको जैसे ही आप शपथ लेंगे तो एक जगह से ले सकते हैं आप, और वो छोड़ना पड़ेगा। इसके ऊपर 6 महीने में चुनाव करवाने होंगे, जिनको हम अक्सर उपचुनाव कहते हैं, मतलब 6 महीने में चुनाव करवाने होंगे। ऐसी एक व्यवस्था है भारतीय संविधान में, पहली बात। तो प्रत्यक्ष रूप से आम जनता द्वारा ऐसे चुनाव होते हैं। इनमें आरक्षण की व्यवस्था भी है, मतलब सीटें आरक्षित होती हैं। जैसे वर्तमान में जो है वो है अनुसूचित जाति 84 सीट, अनुसूचित जनजाति 41। कहने का मतलब है, सॉरी भाई, ये 47 हो चुकी है वर्तमान में, कितनी हो गई भाई 47, 11, 7, 4, 11, 8, 4, 12, 13, मतलब 131 सीटें रिजर्व हैं। 84 और 47 का रेशियो है प्रेजेंट में, 84 और 47, पहले था 41, अब 47 हो गया, ठीक है, पहले 80-41 था, ठीक है, और वर्तमान में 84-47 हो गया, ठीक है। अब इसमें चेंजिंग हुआ है, सीटों आरक्षण की जो व्यवस्था है इसमें बढ़ाई गई है, तो वर्तमान में है 84 और 47, और 131 सीटों पर रिजर्वेशन की व्यवस्था है भारतीय संविधान द्वारा, किसमें, लोकसभा में। अब एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, इसमें चाहे 5 उम्मीदवार खड़े हो, चाहे उम्मीदवार कितने खड़े हो जाए 5, सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजेता होता है। बात करें अधिकतम, चाहे 25% ही वोट मिले उसको, जैसे 5 उम्मीदवार खड़े हुए, 1, 2, 3, 4 और 5, इस उम्मीदवार को 25% मिल गए, इसको 15% मिल गए, इसको 10% मिल गए, इसको 18% मिल गए, 25, 30, 40, 50 और इसको 32 मिल गए मान लेता हूँ, तो 8, 2, 10, 10, 20, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10। अब यहां 32% वोट वाला विजेता हो गया, मतलब 68% लोग खिलाफ है इसके, मतलब आधे से ज्यादा लोग, 68%। हो सकता है कि 25% वाला ही क्यों ना हो, ठीक है, हालांकि इसको वोट कितने मिले हो वो बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसके खिलाफ 68% लोग खिलाफ हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, 1984 का वाक्य है, 1984 में राजीव गांधी के चुनाव की बात है, इस चुनाव में 75%, लगभग 543 में से लगभग 400 सीटें
मिली थी, किसको? कांग्रेस को लगभग 400 सीटें मिली थी और 75% सीटें रिजर्व थी, मतलब 75% सीटें मिल चुकी थी, लेकिन कुल अगर वोटरों की बात करें तो 50% भी नहीं थे। समझो इसको क्या कह रहा है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ कुल वोटों का मतलब जैसे अन्य देशों में है कि भाई आधे से एक अधिक मिलना चाहिए, ऐसा सिस्टम नहीं है भारत में। भारत में इतना ही है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे उस रेस में, मतलब एक सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट, जो उस रेस में सबसे आगे है वो विजेता है, चाहे 25% मिले, चाहे 18% मिले, चाहे 22% मिले, चाहे 32% मिले, वो विजेता है। ठीक है, अब 19 ठीक है, तो बारे बता दिया मैंने आपको। 1984 की अगर हम बात करें तो 4 सीटें मिली थी, 75% के लगभग सीटें मिल चुकी थी, लेकिन कुल मतदान 50% बंदी था। तो विद्यार्थियों आज के लिए इस क्लास में इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। जय हिंद।